पता ये ना होगा छलांग मार दो, अंदर छलांग ना अंदर मार देना, पता चले अंदर छलांग मार दी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार आज की वीडियो जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग दुबई में, ऑफिशियली सेकंड डे है हमारा और अभी निकले हम लोग घर से। बैगों को सबसे पहले मैं दिखाऊंगा मंजर बीच की, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट बीच है। बीचेस बहुत ज्यादा यहाँ पे, बहुत टाइप के डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन जो ये वाला बीच है इसका सीन ये है कि यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा सुकून सा है, बहुत ज्यादा मतलब इतने लोग कम ही होते हैं, एरिया बहुत प्यारा है। बाकी जो JBR वगैरह बीच है ना वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। खैर अभी चलते हैं जाके बीच, वो देखते हैं। उसके बाद कुछ हम लोगों ने ग्रोसरी की शॉपिंग करनी है, वो देखते हैं क्या क्या चीज़ें लेनी है हम लोगों ने, तो वो लेंगे। उसके बाद देखेंगे प्राइसेस वगैरह क्या है। तो बेगम इज बिहाइंड द कैमरा। लड़कियों का यही है, जब भी आओ बाहर अपना इन्होंने मेकअप वगैरह ही सेट करना होता है, ये नहीं कि बाहर देखें जरा इंजॉय करें थोड़ा सा, नहीं वैसे इंजॉय वाली जगह भी आई भी नहीं है, आगे जाके आएगी। लेकिन फिर भी मेकअप की पड़ी हुई है अपने, वो एक मोबाइल का कैमरा चला के तेरे लिए। ट्रैफिक का पीक टाइम है अब यहाँ पे, जो है ना आगे सिग्नल है तो हमें सिग्नल पे काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ पे, सिर्फ एक लेफ्ट या राइट टर्न करने के लिए। अब साथ वाला सिग्नल खुला था वहाँ से ट्रैफिक आ रही है, तो ये बंद है सिग्नल अभी, काफ़ी टाइम लग जाता है। और सामने ना एक कैरी फोर है यहाँ पे, इस जगह पे मैं आपको दिखाऊंगा, बात बताऊंगा कि एक फ़नी स्टोरी है वहाँ जाके बताऊंगा। अच्छा फाइनली सिग्नल खुल गया और हम लोग जा रहे हैं, और ये आ गया कैरी फोर। कैरी फोर की स्टोरी है कि एक दफ़ा ना अभी सऊदीया की फ़्लाइट वगैरह बैन थी इधर, उसमें क्या कहते हैं कोविड की वजह से, तो वो यहाँ पर ना क्वारंटाइन करके दुबई से जा रहे थे। तो बंदा आया किसी को मिलने, मेरे दोस्त को, दोस्त उसका आया मिलने, तो ये कैरी फोर लिखा हुआ ना, कहता मैं ना कर्फ्यू के बाहर हूँ। वो कहता कर्फ्यू कौन सा कर्फ्यू, वो कहता कर्फ्यू वो कह कर्फ्यू कौन सा लग गया है कसम से। बड़ी जरा इतना सीन बनाना उसका कर्फ्यू वाला और कैरी फोर वाला ना पूछे, बड़ा मजा आया। खैर कैरी फोर भी हम लोगों ने जाना है, वापसी पे चलेंगे और कुछ चीज़ें लेनी है लेंगे। और सामने यहाँ पे है ममजर बीच, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस हेयर इन दुबई, और बाकी चीज़ें मैं आके जाके आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। बाकी देखो रोड्स बहुत अच्छी हैं, नीट एंड क्लीन रोड्स हैं, कार्स वगैरह सब अपनी लेन में चल रही हैं, कोई लेफ्ट राइट, कोई गधा घोड़ा, कोई रक्षा, ऐसी चीज़ें कोई नहीं है। तो ये भी एक काफ़ी मतलब एक अच्छी चीज़ होती है। सामने देखो जगुआर खड़ी हुई है, और गाड़ियाँ हर टाइप की यहाँ पे मिल जाती हैं आप लोगों को नॉर्मली। लैंड क्रूजर पर जा रहे हो प्राडो, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल होती है। देखो फॉर्चुनर खड़ी है, निसान पेट्रोल खड़ी है, उसके साथ ही एक और निसान पेट्रोल खड़ी है। तो कार्स वगैरह यहाँ पे मतलब हर टाइप की नॉर्मल ही है। फाइनली वी आर हेड एट ममजर बीच, और यहाँ पे जो है ना मेरे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टोरियाँ देखी होंगी इस राउंड अबाउट के ऊपर, बहुत ज़्यादा बनाई है मैंने, बहुत प्यारा है मतलब ये एरिया। और ये देखो अभी उतरते हैं, उतर के मैं आपको दिखाता हूँ बाकी भी यहाँ का। देखो ना बहुत प्यारा नीट एंड क्लीन, एक तो इन्वायरमेंट है सारा, दूसरा यहाँ पे जाकर दिखाता हूँ आपको। गर्मी तो होगी, दुबई है दुबई में गर्मी तो होगी। खैर यहाँ पे हम लोगों को पार्किंग इजीली मिल जाएगी, जब वीकेंड होता है तब यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल होती है, वरना यहाँ पे पार्किंग एट एनी टाइम जो है ना अवेलेबल होती है ममजर बीच पे। तो खैर पहले इस साइड पे हम रुकते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा यार यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर भी रखा हुआ है उन्होंने, लेके आप रेंट आउट कर सकते हो इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद, पहले ही था यहाँ पे। और खैर ये बीच है, और इस बीच पे मैं आया हूँ जब से पाकिस्तान गया, उसके बाद डेफिनेटली दूसरा दिन है यहाँ पे और मैं फ़ौरन यहाँ पे आ गया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यार रश काफ़ी ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, पहले ऐसा रश होता नहीं है इतना, लेकिन अब देखो बहुत सारे लोग हैं, देख रहे हो कितने सारे टीणे मीणे अंदर हो रहे हैं। बेगम साहिब अपनी फ़ोटोज़ वगैरह बनाती फिर रही हैं, तो हम चलते हैं आगे चल के और देखते हैं बीच के पास। चलो बेटा चलो। खैर यार ये व्यू बहुत प्यारा है, लेकिन उस साइड पे एक जगह पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, वहाँ पे बैठने का अपना ही मज़ा, तो उस साइड पे भी चलते हैं। और यहाँ से अगर नज़र आ रहा था मैं आपको दिखाऊंगा, पता नहीं किस एरिया में, चलो मैं वहाँ जाकर आपको दिखाता हूँ। और सेकंड ये कि तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, वो इसी एरिया में गाना गाया हुआ है, जिसपे 300-400 मिलियन व्यूज़ हैं। और यहाँ पर तो बाबा जी इनकी वीडियोग्राफी नहीं ख़त्म हो रही है, हमसे ज़्यादा व्लॉगर ना बन जाएंगे। अच्छा वैसे आपके क्या रिव्यूज़ हैं इस बीच के बारे में, पसंद आया नहीं आया? अच्छा ख्याल करना अंदर गिरना जाना। एक मिनट शूज़ गीले ना करो ना, हमें आगे नहीं हाथ से ट्राई कर लो पानी में, देखा क्योंकि पानी ना ये असल में गर्म होता है समंदर में, मैं एक दो दफा ठंडा कितना ठंडा, हाँ पानी तो ठंडा यार, नहीं नहीं पानी ठंडा ही है, ठंडा ही होता है, गर्म होता है वैसे पानी, मैं कई दफ़ा यहाँ पे नहाया हूँ गर्म ही था। तो ये समंदर पर हाथ से एक मसला है पता क्या, यहाँ पे ना बालों में पानी चल जाता है, ओ पानी कह रहा हूँ बालों में पानी चल जाता है नहाने से, पानी नहीं वो हो जाता है
नमक चल जाता अंदर। पूछने लगी थी क्वेश्चन। क्या पूछ रही थी? मतलब मुंह पंच रहते हैं, नाक पंच रहता है। मुंह में और नाक भी चला जाता है, सर में जो जाता है ना वो रेत नहीं निकलती, इसके अंदर सर डिप करके नहीं निकाल सकते आप लोग, इतनी ज्यादा जलन होती है पता। वीडियो बन रही है, वीडियोग्राफी की है जी। बुर्ज खलीफा कितनी दूर है? बुर्ज खलीफा वो सामने है, यहाँ पे नजर आएगा। बुर्ज खलीफा ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर है। मुझे तो नजर नहीं आता। चलना है वहाँ पे? चलेंगे। कब चलना है, आज या कल या परसों? जब आप मुझे लेके जाना। कल चलेंगे, मंडी में भी जाना है हम लोगों ने यहाँ पे जो। फिर वो कल हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कल जाना है मंडी में। नहीं, इवनिंग में चल जाएंगे, किसी भी टाइम जा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ऐसे टाइम पे जाएंगे जिस टाइम थोड़ा सा सही हो। ठीक है, ओके ओके। आप एंजॉय कर रहे हो यहाँ पे? बहुत मजा आ रही है यहाँ पे ना। अक्सर वो भी होती हैं फिश वगैरह, स्टार फिश और दूसरी भी, अगर यहाँ पे हुई तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये क्या बड़ा है इसके अंदर, ये ब्लैक ब्लैक सा, ये भी हो सकता है मछली के अंडे वंडे कुछ हो। इतने सीरियस सीरियस क्यों, क्या सोच रही हो, क्या क्यों परेशान? जब मैं आप उधर देखती हूँ फिर आप कहते हैं सीरियस ही हो। हाँ तो सीरियस ही हो, सीरियस लगती हो मौसम में। इधर आके तो ऐसे इतना पता नहीं किसी ख्वाबों ख्यालों में खो गई हो गया, पता नहीं। अच्छी जगह तो देखने नहीं, देखने में सुकून मिल रहा है। ये ना होगा छलांग मार दो अंदर, छलांग ना अंदर मार देना, पता चले अंदर छलांग मार दी। हाँ देखो। अच्छा अभी अभी हम लोग बीच पे थोड़ी सी वॉक कर रहे हैं और बहुत पीसफुल है, बहुत मज़ा आ रहा ना, है ना, बहुत पीसफुल है ना। अच्छा यार दुबई में एक चीज़ है कि ये देखो लैंड क्रूजर के सामने ये गाड़ी छोटी लगेगी, वो कैमरी तक, इवन के कैमरी काफ़ी बड़ी गाड़ी है, सेडान में सबसे मतलब मैक्सिमम साइज़ यही आता है। देखो इनके सामने कितनी छोटी लग रही है, कार जो है ना बहुत ज़्यादा छोटी लगती हैं, ये तो बिल्कुल ही छोटी लगती हैं, बिंचियाँ लगती हैं, इवन के प्राडो भी छोटी सी लगती है यहाँ पे। तो ये सीन है यहाँ पे कार्स का। आ जाओ आ जाओ और चलते हैं अभी आगे, दूसरी साइड पर चलते हैं उधर। और ये ना असल में एरिया ये वाला, एक उस साइड पर और एक उस साइड पर, तीन चार एरिया है यहाँ पर ना, तो अभी चलते हैं किसी ना किसी एरिया में। यार स्टेयरिंग व्हील का कवर भी ख़राब हो गया, ये भी चेंज कराने वाला हूँ। एक चीज़ और, वो जो साइड है ना जो बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं वो शारजा की हैं और ये साइड दुबई की है, और दरमियान में कोई बॉर्डर नहीं है, वहाँ पे जा सकते हैं हम लोग इजीली, पता। हाँ हाँ हाँ, नज़दीक ही हैं बिल्कुल, वो जो साइड है वो शारजा साइड है, उधर लेके चलता हूँ मैं आपको अभी। अच्छा ये देखो, ये ड्राइव थ्रू एटीएम है यहाँ पे, मतलब आओ खड़े हो यहाँ पे, कार्ड से अपने पैसे लो और चले जाओ, तो ड्राइव थ्रू अच्छी चीज़ है, मतलब आप लोगों को वो नहीं करना पड़ता कि वेट करें कुछ भी। अब यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं वो किया करता था ना एक्सरसाइज में, आपको दिखाता था उससे, आपके साथ बात कर रहे हो शादी से पहले, तो वो जगह इधर है, इस जगह पर यहाँ पे वो दिखाता हूँ, बल्कि वो येलो कलर करके आपको नज़र आ रहे हैं वो डंडे से। हाँ नज़र आए, बेशक मैं हूँ। हाँ वही बात, ओहो इतनी अच्छी वाली सीट दी आपको। अच्छा जी, खैर ये है वो एरिया, ठीक है। यहाँ पे आके मैं एक्सरसाइज स्टार्ट में करता था वेट लूज़ के लिए, अब तो दोबारा से वेट गेन हो गया, यहाँ पे आ सकते हैं। खैर यार मैं ना उस साइड से आया हूँ इधर को देखने के लिए, गाड़ी मुझे, मैंने कहा ये कौन सी गाड़ी है, ये जगवार की कार गाड़ी है, लाइट्स का इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है डेफिनेटली जगवार, दूर से पता चल रहा है, लेकिन ये एक डिफरेंट है बिल्कुल, इन्होंने बनाई, मैंने कभी देखी नहीं है ये वाली जगवार, फर्स्ट टाइम देखी है। मे बी ये हाइब्रिड हो या कौन सी हो, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस कार, ये मेरे ख्याल से न्यू आई है गाड़ी, तो हाँ अच्छी लग रही है वैसे। ये देखो ये भी क्रीम की बाइक सारी खड़ी हुई हैं, इलेक्ट्रिक बाइक, हाँ ले सकते हैं क्रीम की एप्लीकेशन करके हम लोग, यहाँ से स्कैन करेंगे अपना जो अकाउंट होगा ये इसके वजह से डिटेक्ट करते हैं, तो जितने मिनट हम चलाएंगे उतने हिसाब से डिटेक्ट हो जाएगा, तो ये सीन है। ये देखो कैसे तमीज से पूरी लाइनअप खड़ी हुई है, ऐसे तमीज से, कोई गाड़ी थोड़ी सी पीछे नहीं है पार्किंग से, उनको पता थोड़ी सी पीछे की तो फाइन पड़ जाएगा, तो ये सीन है भाई यहाँ पे, सीधे सीधे इंसानों की तरह पार्किंग में लगाते हैं। कल मुझे फाइन मिला है, तो वो यार फाइन मुझे लगता है फजूल था, मैं चैलेंज करूंगा उसको कोर्ट में, इंशाल्लाह मैं चैलेंज करूंगा, हो सकता है मैं केस जीत जाऊं। 500 दिरहम है भाई, बचाऊंगा क्यों नहीं बचाऊंगा। यहाँ पे देखो ना सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फिर ये पोर्श भी छोटी लग रही है खड़ी हुई साथ, ये फॉर्चुनर है, सिविक है, तो ये सब गाड़ियां, एफटी क्रूजर खड़ी हुई थी, ये सब छोटी लगती हैं फिर साइज में। यार इस जगह पे ना एक साइड पे ना एक वो टाइटैनिक टाइप एक जगह बनी हुई है, हमने उसको टाइटैनिक नाम रखा हुआ है, क्यों? हाँ क्योंकि वो बंद हो जाता है ना आगे से जाके, तो उसको फिर मैंने नाम टाइटैनिक रखा हुआ है। हाँ प्यारा एरिया, तो मैं पार्किंग के करीब मिलती है तो रोक के दिखाता हूँ, चलते हैं उधर। उसकी प्राइस है यहाँ पे 15,000 दिरहम के करीब है ये गाड़ी, बहुत सस्ती मिलती है रेंज रोवर्स वगैरह।
अच्छा जी, ये एरिया और ये जो लाइट्स लगे हैं एनर्जी सेविंग लाइट्स हैं, ये अभी तो बंद है, जैसे ही रात होगी ना चलेंगी, जब इसके नीचे से गुजरेंगे तो ये ऑन हो जाएंगी वरना ये डिम हो जाती हैं। तो एनर्जी सेविंग लाइट्स काफ़ी टाइम से यहाँ लगी हुई हैं, काफ़ी ज़बरदस्त हैं। और यहाँ से टाइटैनिक जा रहा हूँ मैं, और इस साइड से जो है वो है पार्क है। अच्छा वैसे मैं कभी इसके अंदर गया नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन किसी दिन चलेंगे अंदर और मुझे लगता है एंजॉय करेंगे उस साइड पे भी। यहाँ से जो खजूरें हैं ना, ये देखें अमेरिका की वाइब्स आ रही हैं, तो काफ़ी प्यारा है यार। मुझे पानी देख के डर लग रहा है ना। नहीं पानी से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, पानी से देखो कितना पीसफुल है ना, ये देखो। अच्छा यार ये वाला एरिया जिसको मैं टाइटैनिक कहता हूँ, तो काफ़ी एक प्यारा से मतलब एक जगह बनी हुई है, यहाँ पे बंदा खड़ा होकर एंजॉय कर सकता है। ऐसे फील होता है टाइटैनिक जहाज़ पे खड़े, क्योंकि आगे सारा समंदर ही समंदर है। तो एक प्यारी जगह है, ओए होए कितना प्यारा व्यू है यार, माशाल्लाह। एंड ये चेक करो, बहुत कमाल व्यू है। अच्छा बुर्ज खलीफा जो है ना उस साइड पर है ये, लेकिन विजिबिलिटी कम होने की वजह से नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर वो बिल्डिंग है पीछे, खैर उधर जाके आपको दिखाऊंगा। कब आज चलना है कि बाद में चलना है हमने? जैसा दिल करे, जैसे बोलोगे चल जाएंगे। ये तो खड़ा है ऐसे, यहाँ पे ये व्लॉगिंग तो हो रही है, लेकिन ये इसकी व्लॉगिंग जो है ना, पता नहीं किसी को अपने घर वगैरह को सेंड करने के लिए, किसी को ना दोस्तों वगैरह को सेंड करने के लिए हो रही है बस ये व्लॉगिंग। वैसे व्लॉगिंग चैनल ना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, तुम लोगों की भाभी का व्लॉगिंग चैनल ना स्टार्ट करवा दिया जाए। लगी तो रहती है, फोन उठा के लगी हुई, इसको नहीं पता मैं वीडियो बना रहा हूँ व्लॉगर। अच्छा यार मेरे गाड़ी पे फिंगरप्रिंट लगे हुए हैं, लेकिन उल्टे हाथ के, ऐसे कैसे कौन लगा सकता है? यानी कि ऐसे तो चलो समझ जाती है, ऐसे लग गया या उल्टे कर गाड़ी के ऊपर कौन चढ़ा रहा है? खां देख लो यार। खैर चलते हैं, यहाँ पे भी लगे हुए, क्या चक्कर है ये? इस साइड पे ममजर बीच की जो है ना फूड स्ट्रीट है, जो कि काफ़ी अच्छी है, बहुत दफ़ा मैंने यहाँ से खाना वगैरह खाया। तो किस दिन आएंगे यहाँ पे आके डिनर वगैरह करेंगे। और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं, जो हमें काम है ना घर की चीज़ें कुछ कंप्लीट करनी है वो हम ले रहे हैं, कुछ कल ली थी कुछ अब ली हैं, सॉरी आज लेंगे कुछ ना, तो ये सीन है। बाकी ये बसें हैं, यहाँ पर बसें भी चलती हैं। ये है वो एरिया, यहाँ पर फिली टी है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, चाय तो मैं नहीं पीता ना ही मेरी बेगम, वरना अभी एक एक चाय पकड़ लेते हैं। और ये बसें हैं यहाँ पे, बसों में ट्रैवल करना हो यहाँ से आप बीच पे आ सकते हो, अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो मतलब चीप पड़ जाता है।